हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति IAS। आज बेसिकली हम किसी पढ़ाई के टॉपिक पर डिस्कशन नहीं करेंगे, बल्कि ये डिस्कशन करेंगे कि आखिर के 10 दिन हमें पढ़ना कैसे है, हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। जैसे कि बहुत से बच्चों के मन में डाउट था कि हमें लास्ट के 10 डेज किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनानी है, तो इस पर बहुत ज़्यादा हमारे पास कमेंट आ रहे थे, तो उसी पर ही बेसिकली आज का हमारा लेक्चर होगा। तो हम शुरू करने से पहले हम आपको एक बेसिक कुछ बातें बताते हैं। जैसे कि जब भी हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हैं तो समय के साथ साथ हमारी स्ट्रेटजी अलग अलग होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि यह एग्ज़ाम लास्ट ईयर आया था इसका नोटिफिकेशन, तो उस टाइम हमारी स्ट्रेटजी अलग थी। जब एग्ज़ाम के 6 महीने रह गए तो हमारी स्ट्रेटजी अलग थी, लेकिन जब लास्ट के 15 डेज रह जाते हैं या 10 डेज रह जाते हैं तो हमारी स्ट्रेटजी में उसी तरह से चेंजेस आनी चाहिए। जैसे कि हम शुरुआत में अलग अलग बुक्स, रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं, अलग अलग सोर्सेज को फॉलो करते हैं, लेकिन जब हमारे लास्ट की स्टडी 10 डेज या 15 डेज रह जाते हैं तो उसी तरह से हमारी क्रमबद्ध रूप से हमारी स्ट्रेटजी चेंज होने लगती है। जैसे कि अगर हम शुरू के 6 महीने हैं तो हम बेसिक्स बुक पढ़ सकते हैं, हमारे पास 8-10 महीने का समय है तो हम बेसिक और रेफरेंस बुक्स पढ़ सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए, आप सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग हो सकती है, हम लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। बहुत से बच्चे इसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं कि सर, बहुत से मेरे पास कमेंट ऐसे आते हैं कि सर, हमने स्पेक्ट्रम कंप्लीट कर लिया है, क्या अब हम विपिन चंद्रा पढ़ लें, या विपिन चंद्रा हम पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत गलत तरीका है। आप 100% एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, 100%। ये आई एम श्योर कि जो बच्चे इस वक्त नए सोर्सेज को फॉलो करेंगे वो किसी भी हालत में एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत से फैक्ट ऐसे होंगे जो स्पेक्ट्रम में ना देकर विपिन चंद्रा में होंगे। तो जब आप रीडिंग करेंगे विपिन चंद्रा की, या जैसे कि आपकी विपिन चंद्रा पढ़ी हुई है और आप स्पेक्ट्रम पर स्विच कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि लास्ट के 10 डेज हैं, कुछ स्पेक्ट्रम भी पढ़ ली जाए, अगर कुछ फैक्ट रह गए हों तो वो कवर हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़े हुए हैं, विपिन चंद्रा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, और अगर आप विपिन चंद्रा पढ़े हुए हैं और स्पेक्ट्रम को एक्स्ट्रा में पढ़ रहे हैं, तो आप एक चीज़ याद रखिए कि आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। और जब जैसे ही वो आपको मिलेगी, आपकी नज़रों के सामने आएगी, आपका माइंड ऑटोमेटिकली स्विच कर उस पर क्लिक कर जाएगा कि अरे, ये तो मेरा पढ़ा हुआ ही नहीं है, इसका मतलब मेरी तैयारी ही नहीं है। और यहीं से ही आपका कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो यह सबसे गलत स्ट्रेटेजी है। अब आपको जितना पढ़ा हुआ है, जो भी आपने बुक पढ़ी है, उन सबको एक साइड रखिए, उन सभी को ही आप लिस्ट बनाकर अपने पास रखिए, उन्हीं को ही आपको रिवीजन करना है। देखिए, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपको एक्स्ट्रा कोई भी मटेरियल नहीं पढ़ना है किसी भी हालत में, सिर्फ रिवीजन, ये गोल्डन रूल है। और तीसरा, मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट का तरीका ये होता है कि इस टाइम आपको रिवर्स गियर डालना है, आपको रिवर्स मेथड अप्लाई करना है। जैसे कि पहले तो हम क्या करते थे, जब हमारे पास ज़्यादा समय होता है तो हम क्या करते हैं, रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं और साथ साथ हम मॉक टेस्ट लगाते हैं। उसी रेफरेंस बुक्स पर जो हमने टॉपिक्स पढ़ा, उन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड हम MCQ सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें MCQ या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाने हैं। अब जब हम उन्हें उठाकर सॉल्व करेंगे तो जहां पर हमें दिक्कत आ रही है, अब हम उस पार्ट को, यानी कि उस टॉपिक को तुरंत बुक खोलकर रिवाइज करेंगे। जो भी हमारे सिलेबस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स होंगे या सिलेबस से रिलेटेड जो जो MCQs होंगे, उन MCQs पर हमें जो भी दिक्कत आ रही होगी, जिस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही होगी, उसी पार्ट को हमें फौरन तुरंत रिवीजन करना है। देखिए, आपका जिस स्ट्रेटेजी आप अपने आप अनुसार बना सकते हैं, आप सब मैच्योर हैं, UPSC के एस्पायरेंट हैं, तो आपके लिए ये बताना कि 10 घंटे पढ़ाई कीजिए या 12 घंटे पढ़ाई कीजिए, ये मैं समझता हूँ इस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो आप में से सीरियस कैंडिडेट हैं वो हर हालत में बिना कहे भी 10 से 12 घंटे आराम से स्टडी फोकस करके स्टडी करेंगे। लेकिन जो एस्पायरेंट सीरियस ही नहीं है, हालांकि उनको एस्पायरेंट कहना ही सही नहीं होगा, जो सीरियस नहीं है तो उनसे कितना भी कह लिया जाए वो 10 घंटे क्या 1 घंटे भी टाइम नहीं देंगे। लेकिन जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, ये लेक्चर उन्हीं के लिए हैं। तो इस टाइम आप, जैसे कि आपकी जो भी स्ट्रेटेजी होगी 10 से 12 घंटे पढ़ने की, उसमें आप क्या करेंगे कि स्पेशली 2 से 3 घंटे आप मॉक टेस्ट के लिए छोड़ेंगे। उन मॉक टेस्ट में जो भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, यानी कि जिस पार्ट से, जिस टॉपिक से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, आप उसको मार्क करेंगे, और उसको मार्क करने के बाद उस टॉपिक को तुरंत आप अपने बुक से, उस सब्जेक्ट की रेफरेंस बुक्स को फॉलो करके उसको बिल्कुल रट डालिए। तो इस टाइम आपको कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं पढ़ना है। देखिए, सबसे अब हम कुछ अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं। जैसे कि जब भी हम
मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो नया नया, जैसे न्यू कमर कहते हैं, नया नया कंपटीशन की तैयारी करने आता है, तो उसके पास उसको गाइड करने वाले तो बहुत सारे हो जाए मिल जाएंगे। जैसे कि उसको बता दिया जाए कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, आप इस सब्जेक्ट की ये रेफरेंस बुक्स पढ़िए, आप लक्ष्मीकांत पढ़िए पॉलिटी के लिए, आप ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग पढ़िए या सविंदर सिंह पढ़िए, आप एनसीईआरटी अलग से पढ़िए, तो ये सब तो स्टूडेंट्स को पता होती है। लेकिन एक स्टेज वो आती है, आप में से बहुत से बच्चों के साथ ये रहा होगा, एक स्टेज वो आएगी कि जब आप कि जैसे कि कोई बेसिक बुक है एनसीईआरटी है, मान लीजिए एनसीईआरटी आपको बिल्कुल रट जाएगी, आपको वर्ड बाय वर्ड पेज बाय पेज एनसीईआरटी के चैप्टर याद हो जाएंगे, तो अब सबसे बड़ी मुश्किल एक एस्पायरेंट के साथ सबसे मुश्किल काम क्या होता है उसके लिए, दुनिया का उस पढ़े हुए को दोबारा पढ़ना यानी कि रिविजन करना, और यही मुश्किल काम आपको सफलता दिलाएगा। ये आप लिख कर रख लीजिए कि जब आपको पूरा रट जाए एक टॉपिक आपको या एक सब्जेक्ट पूरा रट जाए और आपसे कोई उस सब्जेक्ट को रिवीजन करने के लिए कहे, तो ये एक एस्पायरेंट के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ जो होता है वो एक तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है और दूसरा उसको पढ़ने के लिए इच्छा भी नहीं रहती है, तो ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम एस्पायरेंट के लिए हो जाता है पढ़े हुए को दोबारा पढ़ना। और यही अगर जो इस चीज़ को सेल्फ कंट्रोल के साथ इससे आगे निकल जाएगा, जो उस रिवीजन को अपना रिवीजन को करना शुरू कर देगा पढ़ने के बाद भी, रटा हुआ होने के बाद भी, तो वही बच्चे वही एस्पायरेंट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। लेकिन देखिए इसके लिए ये तो आप स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कोई हिस्ट्री का टॉपिक है या हिस्ट्री सब्जेक्ट है और आप इसकी आपको इसकी एनसीईआरटी बिल्कुल रटी हुई है, तो आप पहले अगर इसको 3 घंटे पढ़ते थे तो अब इतना कर दीजिए कि उसको 1 घंटे में पूरा रिवीजन कर दीजिए। लेकिन आप ये नहीं कर सकते, इसको एक सिरे से इग्नोर नहीं कर सकते, तो सबसे पहले तो स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आपको रिवीजन और रिवीजन करना ही करना है। जितना भी आप टाइम निकालें, अब आज से 10 घंटे या 12 घंटे जो भी आपकी पढ़ाई होगी उसमें आपको रिवीजन हर हालत में करना है, पहली चीज़। और उससे दूसरी, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं पढ़ना है। बहुत से बच्चे ये बेवकूफ़ी कर जाते हैं कि एक फैक्ट के लिए, एक एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए वो पूरी एक 800 पेजेस की बुक को रेफर करना शुरू कर देंगे, और इससे आपको दिक्कत ये होगी कि आपको हर लाइन में नया नया फैक्ट मिलेगा, तो आपको ये लगेगा कि शायद आपकी तैयारी ही नहीं हुई है। आप पूरी स्पेक्ट्रम याद करने के बाद भी अगर आप विपिन चंद्रा पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो विपिन चंद्रा में स्पेशल दी हुई है और स्पेक्ट्रम में नहीं है। देखिए विपिन चंद्रा जो बुक है वो स्पेशली आईएएस मेंस के लिए लिखी गई है, आईएएस मेंस को नजर ध्यान में रखते हुए लिखी गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आपके प्रीलिम्स में काम नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन स्पेशली आपको एक ही बुक पढ़नी होती है। रेफरेंस बुक हमेशा एक ही होना चाहिए, आप इसको 50 बार रीडिंग मार दीजिए। आप चाहे स्पेक्ट्रम पढ़ें उसको 50 बार रीडिंग करें, आप विपिन चंद्रा पढ़ें उसको 50 बार रीडिंग करें, लेकिन सिर्फ एक ही पढ़ें। अगर 10 बुक्स पर आप रेफर करेंगे तो आपको एक तो कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाएगी, और दूसरी चीज़ ये कि ये सही वक्त नहीं है, अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप 800-1000 पेजेस की बुक दोबारा एक नई बुक को उठाकर अपने सामने पढ़ना शुरू कर दें। तो इससे जितनी देर में आपको ये बुक कवर करेंगे, जितने दिन में, उतनी दिन में आप ये पूरा सिलेबस ईपीएफओ का 3-4 बार रिवीजन कर पाएंगे आराम से। जिनके सारे बेसिक बुक्स या बेसिक नोट्स पड़े हुए हैं वो आराम से उतने दिन में 3-4 बार इस पूरी ईपीएफओ के सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं, तो आप वो बेहतर है या यहाँ पर 800 पेज की एक नई किताब पढ़ना बेहतर है। अब ये फैसला आपको खुद करना है, क्योंकि अगर आपने पढ़ भी ली तो आप बहुत से बहुत इतना होगा कि 1-2 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा सॉल्व कर देंगे बस, वो भी अगर आए तो, अगर उस बुक से डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप किए गए तब, वरना कभी भी यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती है जो आपके अलग अलग बुक्स में दिए हुए हों। बहुत कमी से ऐसा होता है चांस कि एक आध क्वेश्चन वो एक्स्ट्रा ऐसा रख दे जो कोई सॉल्व ना कर पाए। कोई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने विपिन चंद्रा पढ़ी हुई होगी, तो उनके लिए कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जो स्पेक्ट्रम में होगा, वो फैक्ट आपको विपिन चंद्रा में नहीं मिलेगा, तो उनका वो फैक्ट छूटेगा, अगर आपका विपिन चंद्रा वाला फैक्ट छूट सकता है, तो स्थिति दोनों के लिए बराबर है। दूसरी चीज, अब आपको क्वेश्चन पेपर से सबसे पहले जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर पर बहुत पैनी नजर रखनी है, स्पेशली जो की पॉइंट्स होते हैं क्वेश्चंस के, जैसे कि सही कथन चुनिए या असत्य कथन चुनिए, ऐसा कथन चुनिए जो सही नहीं है, तो आपको ये की पॉइंट्स फोकस करने होते हैं। इसी तरह जैसे कोई क्वेश्चन दिया होगा कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में प्रथम भारतीय महिला ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था, तो ये की पॉइंट है प्रथम भारतीय महिला, या ये भी हो सकता है कि प्रथम महिला ने भाग लिया था। इसी तरह से आप जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ जाते हैं और आप ये भूल जाते हैं कि प्रथम महिला दिया हुआ था क्वेश्चन में या प्रथम भारतीय महिला दिया हुआ था, तो दोनों ही फैक्ट अलग अलग हैं। दोनों जैसे कि भारत की इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, और दूसरा फैक्ट है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये दोनों अलग अलग फैक्ट हो जाते हैं। तो एक तीसरा फैक्ट भी है इसी में कि पहली महिला कौन थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित किया था,
अब पहली महिला जिन्होंने संबोधित किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, पहली महिला जिन्होंने अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की, और पहली भारतीय महिला जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तीनों अलग अलग फैक्ट हैं, तीनों ही अलग अलग फैक्ट हैं। पहली महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, और पहली महिला जिसने संबोधित किया राष्ट्रीय कांग्रेस को ना, क्योंकि और इसमें दोनों फैक्ट शामिल हैं कि वो अध्यक्ष भी नहीं थी और दूसरी पहली भारतीय महिला भी थी और या फिर अध्यक्ष भी नहीं थी। तो इसमें इस तरह से की पॉइंट्स जो हैं, आप बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चंस पर टाइम दीजिए, क्वेश्चन को फोकस करके पढ़िए। अब तीसरा तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या होता है वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, अगर हम इंग्लिश के सिलेबस को लें, हम इंग्लिश का एक एग्जांपल लेते हैं, इंग्लिश के अगर हम सिलेबस को लें तो आपको पता होगा सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। तो यहां पर इंग्लिश के वर्ड्स की अथाह भरमार है। आप में से कोई भी स्टूडेंट यह नहीं कह सकता कि उसने सारे वर्ड याद कर लिए हैं। तो अगर आप यह सोच रहे हैं कि मेरे सिनोनिम्स तैयार नहीं है या मेरे एंटोनिम्स तैयार नहीं है तो और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो आप ये जान लीजिए कि अगर यूपीएससी में ईपीएफओ में 9 लाख स्टूडेंट्स हैं तो एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा उस 9 लाख में से जिसके सारे के सारे सिनोनिम्स इसको आते हों, जिसको सारे के सारे एंटोनिम्स आते हों। अब यहां ब्रिटेन की प्रजा तो नहीं बैठेगी यहां के एग्जाम देने के लिए जो 9 लाख के 9 लाख जो सारे सिनोनिम और एंटोनियम का मतलब जानती हो। लेकिन अब यूपीएससी क्या करती है, ये बात यूपीएससी को भी अच्छी तरीके से पता है कि आप में से सभी बच्चों को सिनोनिम एंटोनियम्स नहीं आते हैं सारे, आप में से सारे ही बच्चे, अधिकतर बच्चे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं और अगर इंग्लिश मीडियम के भी हों तो वो भारतीय हैं, उनको सारे सिनोनिम्स नहीं पते होंगे और यूपीएससी को खुद भी सारे सिनोनिम एंटोनियम नहीं पते होंगे। तो वो क्या करते हैं, आपको भले ही आपसे पूछा जाए कि राइट द चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड, कोई वर्ड दे रखा है एक्स, अब इसका करेक्ट सिनोनिम आपको चुनना है, तो सिनोनिम का आपको पता है सिनोनिम किसे कहते हैं, पर्यायवाची को। अब जो आपको नीचे चार ऑप्शन दिए जाएंगे वो चार ऑप्शन ऐसे होंगे कि वो बहुत सिंपल वर्ड होंगे, आपको उन सिंपल वर्ड्स में से 101% 2 से 3 के, आपको जो सीरियस एस्पायरेंट की बात कर रहा हूं मैं, जो सीरियस एस्पायरेंट होंगे उन्हें 101% 2 से 3 वर्ड्स का मीनिंग पता होगा। अब इन्हीं मीनिंग्स पर आधारित कभी कभी ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होता है, कभी हमें डिराइव करना पड़ता है। अब आपको यहां से डिराइव करना पड़ेगा। अब यहां जो थोड़े स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं, स्मार्ट एस्पायरेंट होते हैं, इन्हीं को ही स्मार्ट कहा जाता है एस्पायरेंट, जो यहां से अब एलिमिनेशन के थ्रू क्वेश्चन से ऑप्शन से आंसर को ड्राइव करेंगे, यहां से आपको आंसर ड्राइव करना होगा। अब यहां पर आपको मान लीजिए कोई एक्स दे रखा है वर्ड, आपको इसका सिनोनिम बताना है, अब आपको एक्स वर्ड का जब मतलब ही नहीं पता तो जाहिर सी बात है आप सिनोनिम नहीं बता सकते, या एंटोनियम नहीं, आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो आप उसका एंटोनियम कैसे बताएंगे। लेकिन यूपीएससी ये चीज जानती है कि बच्चों को सब हर वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता है, तो वो क्या करेगी, आपको ऑप्शन इस तरह के देगी कि आपको कम से कम 2 के मीनिंग हर हालत में पता होंगे, कम से कम 2 के गारंटेड, जो सीरियस एस्पायरेंट है उनको 2 की मीनिंग हर हालत में पता होंगे, और ये भी पता होगा कि ये वर्ड इसका अपोजिट हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये आप आराम से इंटेलिजेंट गेस लगा सकते हैं। तो यहीं से ही आंसर को डिराइव किया जाता है इन क्वेश्चंस ऑप्शंस को एलिमिनेट करके। तो यहां पर यूपीएससी आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछ सकती है। अब तीसरी चीज आती है हमारी, देखिए सबसे पहले हम बात करें अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी हमारी सबसे पहले यह होनी चाहिए कि हमें यह पता हो कि देखिए, अब सबसे पहले हम 2015 के पेपर की बात करते हैं जो कि एपीएफसी का था। यहां पर हमारा 2015 में हम 2 सेक्शन लेते हैं, इंग्लिश और मैथ रीजनिंग को हम एक जगह ले रहे हैं मैथ रीजनिंग। अब 2017 का एक पेपर था जो हमारा एपीएफसी का ना होकर एओ और ईओ का था, जो कि आपकी ईपीएफओ की ही एक पोस्ट है, इससे एपीएफसी के नीचे की आपको पता ही है, इसमें इंग्लिश का सेक्शन और इसमें मैथ रीजनिंग का सेक्शन, ये हम दोनों एक जगह आपको थोड़ा कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि कितना किसका सेक्शन वेटेज रहेगा। हम वेटेज के आधार पर अब हमारे आगे के 10 दिन की रणनीति बनाएंगे। इंग्लिश में 2015 के अंदर 10 क्वेश्चन पूछे गए थे एपीएफसी के एग्जाम में, और मैथ रीजनिंग से 30 से लेकर 35 तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 30 से लेकर 35 तक, यानी कि अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 45 क्वेश्चन आपके इन्हीं 2 सेक्शन से आए थे 2015 में। अब हालांकि ये एपीएफसी की पोस्ट इस पोस्ट की तुलना में हाई पोस्ट है, हायर पोस्ट है, सीनियर पोस्ट है, तो यहां से मैथ रीजनिंग का पोर्शन भी ज्यादा था और ये कंपेरेटिवली एडवांस क्वेश्चन थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंग्लिश में 2017 के एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे और मैथ और रीजनिंग से भी 10-10 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन। तो अब आप एक थोड़ा इंटेलिजेंट गैस लगा सकते हैं कि लगभग 40 से 45 क्वेश्चन आपके यहां से आने की पूरी संभावना है। तो आपका 1/3 वेटेज इसी एग्जाम इसी 2 पार्ट का है। तो अब आपको क्या करना है, कुछ भी हो जाए हर हालत में आपको अपनी स्ट्रेटेजी का भी 1/3 पार्ट इस पोर्शन को देना है। मान लीजिए जैसे कि आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो 12 घंटे का 1/3, यानी कि आपको 4 घंटे हर हालत में इन 2 सेक्शन को ही देने हैं।
अब आप जिनकी तैयारी ज्यादा है वो और इस पार्ट को कम कर सकते हैं, इस टाइम को चार की जगह 3 घंटे कर सकते हैं, और जिनका ये पोर्शन वीक है ये मैथ रीजनिंग और इंग्लिश, ये इस 4 घंटे को 6 घंटे में भी चेंज कर सकते हैं। ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी इनमें से, इन सारी चीज़ों में से किस तरह से बनाएंगे। तो मेनली ये है कि आपको जो वेटेज है उसी के अनुसार अपनी स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाना है। आपको 10 दिन की जो स्ट्रेटेजी है वो आपको वेटेज के अनुसार तय करनी है कि किस एग्जाम, किस टॉपिक का कितना वेटेज है। अब इसी तरह जीएस और करंट अफेयर्स मिलाकर आपके लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन आपका जीएस और करंट अफेयर है, और जीएस में आपके पास क्या क्या है, हिस्ट्री है यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, आपके पास पॉलिटी है, आपके पास जनरल साइंस, और फिर प्लस आपका करंट अफेयर्स और सॉरी हाँ यहाँ इकोनॉमी भी है, इकोनॉमी। ये 4 पोर्शन आपके जीएस के हैं यहाँ पर, और प्लस आपका करंट है, यहाँ से लगभग 50 क्वेश्चन आएंगे, और प्लस आपके रह जाते हैं कंप्यूटर को क्वेश्चन, यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आपका ये मेनली वेटेज रहेगा। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको किस टॉपिक को कितना टाइम देना है और किस तरह अपने टाइम शेड्यूल को डिवाइड करना है, और साथ ही आपको मॉक टेस्ट भी लगाना है, ये बिल्कुल ना भूलें आपको। और मॉक टेस्ट कौन से लगाने हैं, मेरी हमेशा आपसे एडवाइस यही रही है कि आप यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए। यूपीएससी में अब आप में से बहुत से बच्चे सोचते होंगे कि 2 ही बार ईपीएफओ के एग्जाम हुए, 2015 में और 2017 में, लेकिन यूपीएससी कई सालों से आईएएस के तो एग्जाम ले रही है। यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स के आप पेपर लगाइए, उसमें आप अपने इन 4 जीएस के टॉपिक को ही फोकस कीजिए। आप मॉडर्न हिस्ट्री से जितने क्वेश्चन आए हैं उन्हें लगाइए, आपके पॉलिटी से जितने क्वेश्चन हैं उन्हें लगाइए, आपका जनरल साइंस से जितने क्वेश्चन हैं उन्हें लगाइए, इसी तरह आपके जितने इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन हैं उन्हें लगाइए। इससे क्या होगा, देखिए, एक तो आपको पता चलेगा यूपीएससी के क्वेश्चन फ्रेमिंग का तरीका। आप कोई सी भी मॉक टेस्ट लगा लें, किसी भी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट की मॉक टेस्ट लगाएं, चाहे हमारी भी लगाएं, लेकिन हम कितनी भी कोशिश कर लें या दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट कितना भी कोशिश कर लें, वो इसके यूनिक स्टाइल तक नहीं पहुंच सकता। यूपीएससी का स्टाइल यूनिक है, आपको ये कई ब्रॉड डायमेंशंस में सोचने की क्षमता प्रदान करता है। जब आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको ये ब्रॉड डायमेंशन में सोचने की समझ डेवलप करता है, आपको कई ज़्यादा फील्ड्स की तरफ आप सोच सकते हैं कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है, कहां कहां और कुछ एरियाज को क्वेश्चन टच कर सकती है। जो आप में से बहुत से लोग होंगे कि यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट नहीं करती, तो इसका भी हम आपको प्रूफ दे देंगे, यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट करती है, लेकिन उसका रिपीट करने का भी तरीका ऐसा है कि 90% बच्चे ये तमीज भी नहीं कर सकते कि यूपीएससी ने क्वेश्चन रिपीट किया है। इसीलिए यूपीएससी अपने यूनिक स्टाइल के लिए जानी जाती है, तभी यूपीएससी को इसीलिए वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम लेवल बॉडी नहीं कहा जाता है, उसका यूनिक स्टाइल है क्वेश्चन पूछने का। देखिए, आप यूपीपीसीएस देते हैं, आप स्टेट सर्विस कमीशन का एग्जाम देते हैं, एमपीपीसीएस हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, चाहे स्टेट के एसएससी एग्जाम्स हो, सेंट्रल लेवल के सारे एग्जाम्स के लिए रेफरेंस बुक्स वही है, एनसीईआरटी तो इनके लिए भी वही है ना, जो यूपीएससी के लिए है वो इनके लिए, जो स्पेक्ट्रम आपके लिए है वही एसएससी के लिए, वही यूपीपीसीएस के लिए, वही यूपीएससी के लिए भी है, जो आपकी पॉलिटी लक्ष्मीकांत आपके लिए है वही एसएससी के लिए भी है, वही स्टेट सर्विस कमीशन के लिए है और वही यूपीएससी के लिए भी है। लेकिन फर्क आप देख लीजिए क्वेश्चन पूछने में, आप इनके क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, सड़े हुए क्वेश्चन होंगे कि गांधी जी की अर्थी को किसने कंधा दिया था, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछता है 2014 के आरओ के एग्जाम में, तो लेकिन यूपीपीसीएस आपसे इस तरह के क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। तो पढ़ा हुआ किताबें वही होंगी, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। इसीलिए इसको सबसे प्रेस्टीजियस बॉडी कहा जाता है, ये आप जानते ही हैं, और जो एग्जाम क्वालिफाई करके आता है वो व्यक्ति भी सबसे प्रेस्टीजियस हो जाता है समाज में। अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई करके आते हैं तो यूपीएससी के साथ साथ आप भी प्रेस्टीजियस हो जाते हैं। तो इसलिए आप यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको उसके एक तो स्टाइल का, क्वेश्चन फ्रेमिंग है उसका तरीका पता चलेगा कि यूपीएससी चाहती क्या है, आपसे डिमांड क्या करती है, आपको उसका पता चलेगा, उसके बारे में पता चलेगा यूपीएससी क्या डिमांड कर रही है आपसे, और आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकती है, आगे भविष्य में किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकती है। तो आपके लिए हमारा सजेशन ये है कि आप अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप वेटेज के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। आप इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ये 3 पोर्शन ऐसे हैं कि जो आपको, अगर इनके बगैर आप सफलता बिल्कुल नहीं ले सकते। अब हम सब सबसे ज्यादा इग्नोर कर देते हैं अकाउंट्स, सोशल सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, IRLL। ये यहां से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको इग्नोर करेंगे तो किसी का भी, जो भी स्टूडेंट या एस्पायरेंट इन 3 पोर्शन को इग्नोर करेगा उसका सिलेक्शन किसी हालत में नहीं हो सकता। अब और बहुत से बच्चे पूछ रहे थे, जैसे कि अभी हम इसके बाद बात करेंगे कितना सेफ अटेम्प्ट होगा, सेफ अटेम्प्ट, ये बहुत इमेच्योर क्वेश्चन है कि सेफ अटेम्प्ट क्या होगा।
देखिए सेफ अटेम्प्ट कुछ नहीं होता है, सेफ अटेम्प्ट सिर्फ आपका भ्रम है। जो बच्चे पहले से मानकर चलते हैं कि सेफ अटेम्प्ट हमें करना है या हमें पता चल जाए कि 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं या 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो वो बच्चे एस्पायरेंट कभी भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पहले ही माइंड मेकअप हो जाता है कि मुझे कम से कम 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब मान लीजिए डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई हो गया, डिफिकल्टी लेवल एग्जाम का बहुत हाई हो गया और कट ऑफ मान लीजिए 65 के ही अराउंड रह जाए, 65 क्वेश्चन के ही अराउंड रह जाए, यानी कि 50% पर ही रह जाए, तब आप वो एस्पायरेंट पहले से ही माइंड मेकअप किया हुआ है कि मुझे 80 क्वेश्चन करने हैं, अब वो कर पा नहीं रहा है 50 क्वेश्चन से ज्यादा, तो वो क्या करेगा, गलत अटेम्प्ट करेगा, यानी कि थोड़ा घबरा जाएगा, नर्वस हो जाएगा और नर्वसनेस की वजह से वो ज्यादा अटेम्प्ट करेगा और अटेम्प्ट करने की वजह से वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से और बहुत पीछे स्कोर उसका पिछड़ जाएगा। तो आप कभी भी ये माइंड मेकअप करके मत जाइए या ये ना सोचे कि कितना सेफ स्कोर रहेगा। सेफ स्कोर आपके डिपेंड करता है एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल पर, कि एग्जाम का लेवल कितना है। अब आपसे बहुत से वीडियो चैनल्स आप यूट्यूब पर देखेंगे जो ये भी बात करते हैं कि डिफिकल्टी कोई किसी भी एग्जाम की कट ऑफ बहुत तीन चीजों पर डिपेंड करती है, एक उसमें एस्पायरेंट कितने हैं, दूसरा उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, और तीसरा और आपकी तैयारी कितनी है, या आपका डिफिकल्टी लेवल और आपकी तैयारी कितनी है। मैं समझता हूं ये दो ही चीज पर डिपेंड करता है, और बल्कि अगर सही मायनों में कहा जाए तो ये केवल एक ही चीज पर कट ऑफ डिपेंड करती है, वो है सीरियस एस्पायरेंट। अगर इसको एक शब्द में मैं कहूं इन तीनों कैटेगरी को, तो वो सीरियस एस्पायरेंट है जो कट ऑफ तय करते हैं। अब अगर बहुत से लोग ये कहते हैं यूट्यूब चैनल के कितने आवेदन हुए हैं, इस बात पर निर्भर करता है कितने बच्चे एग्जाम में बैठे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। अरे भाई आप कचरा उठा लाओ, बहुत से बच्चे हों जो कारपेंटर का काम कर रहे हो, उनको फॉर्म भरवा के उनको बैठा दो, उनको आप बैठा दो। जो बहुत से बच्चे ऐसे हों जिन्होंने हंसते खेलते ग्रेजुएशन कर ली हो और वो इधर उधर घूमते फिरते हों, उनको आप फॉर्म भरवा दो, अप्लाई करा दो, 100 रुपये का फॉर्म है, कोई भी अप्लाई जाकर कर दे और वो एग्जाम देने बैठ जाए, तो क्या वो ऐसी भीड़ बढ़ने से आपको लगता है कि कट ऑफ बढ़ जाएगी? कट ऑफ एक पॉइंट में भी नहीं बढ़ेगी, कट ऑफ हमेशा बढ़ती है सीरियस एस्पायरेंट पर डिपेंड करती है, और ये एस्पायरेंट होते हैं 1-2% बस। अगर 900,000 बच्चे बैठा है एग्जाम में, तो 900,000 का आप 1% निकाल लीजिए, आपके पास 9,000 से 18,000 यही सीरियस एस्पायरेंट होंगे बस, इसके अलावा कोई थर्ड पर्सन नहीं होगा सीरियस एस्पायरेंट, आप ये लिख कर रख लीजिए। तो सीरियस एस्पायरेंट हमेशा, अगर ये 900,000 नहीं भी होंगे, अगर 900,000 एस्पायरेंट है ना, कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, कहीं कोरोना फैला हो, कहीं बाढ़ आ जाए, जो सीरियस एस्पायरेंट होगा वो कहीं से भी भले ही किसी से उधार लेकर उसको फ्लाइट से जाना पड़ जाए, वो फ्लाइट से चला जाएगा एग्जाम देने। बहुत से बच्चे सोचते हैं ना कि लॉकडाउन हो गया या कुछ भी हो गया, इमरजेंसी है, ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं है, तो बच्चे ज्यादातर एग्जाम देने नहीं आएंगे डर की वजह से। देखिए ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा डर पेट का होता है, भुखमरी का होता है, तो भूख से बचने के लिए हर आदमी को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए सीरियस एस्पायरेंट कहीं से भी एग्जाम में आ जाएगा, ये आप भी जानते हैं। आप भी अगर सीरियस हैं तो कहीं से भी किसी भी हालत में आप एग्जाम देने की कोशिश करते हैं। एक दो बच्चे एक्सेप्शन केस ऐसे होते हैं जो एस्पायरेंट सीरियस भी हैं लेकिन किसी निजी कारणों की वजह से वो एग्जाम ना दे पाए, वो एक निजी कारण, वो ऐसे बहुत कम एक्सेप्शन केसेस होते हैं, लेकिन 99% जो एस्पायरेंट स्टूडेंट होता है, जो आपके एस्पायरेंट्स होते हैं, वो हर हालत में एग्जाम देने की कोशिश करते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें उनके सामने आए, चाहे कुछ भी करना पड़े, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ना पड़े, बहस करनी पड़े, वो फिर भी एग्जाम देने जाएंगे। तो आपका जो कट ऑफ बढ़ाता है वो हमेशा सीरियस एस्पायरेंट बढ़ाता है, ना कि एग्जाम में आने वाली भीड़, तभी भीड़ एग्जाम में कट ऑफ नहीं बढ़ाती है। SSC CGL के अंदर 80,00,000 बच्चा बैठता है, कितनी जाती है कट ऑफ, 70 से 80% कट ऑफ जाती है। अगर 80,00,000 बच्चा बैठ रहा है तो भीड़ से ही अगर कट ऑफ होने लगे तो 100 में से 100 आ जाएगी, फिर तो ऐसा हो जाएगा जैसे DU में आपका लेडी श्री राम में एडमिशन लेने के लिए जितनी कट ऑफ चाहिए होती है उतनी कट ऑफ जाने लगेगी, 99.2 इस तरह की कट ऑफ थोड़ी जाती है SSC में। तो SS कोई भी एग्जाम बॉडी हो, हमेशा सीरियस एस्पायरेंट कट ऑफ तय करते हैं, ना कि वहां की भीड़, ना वहां आवेदन करने वाले छात्र। तो हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारे पास वेटेज कितना है, किस एग्जाम किस हमारे टॉपिक का कितना वेटेज है। तो हम इस एक बार फिर से हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, हम तीन कैटेगरी में अगर डिवाइड करेंगे इन सबको, तो हमारे पास मेनली इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ये एक कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी है अकाउंट्स, सोशल और आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन, और तीसरी कैटेगरी है हमारी जनरल, हमारी GS और करंट अफेयर्स, ये हमारी तीन कैटेगरी हैं। एक बार नई स्लाइड पर देख लेते हैं, हमारा इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, मैथ रीजनिंग ये एक कैटेगरी है हमारी, दूसरी है अकाउंट्स, सोशल सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस, ये दूसरी कैटेगरी, और फिर तीसरी कैटेगरी है हमारी GS और करंट। अगर हम सोशल सिक्योरिटी को करंट के पोर्शन में रख दें तो ये कोई
अलग चीज नहीं होगा, बल्कि मैं समझता हूं कि सोशल सिक्योरिटी से जितने क्वेश्चन आएंगे वो आपके करंट बेस्ड ही आएंगे। तो आप मान सकते हैं यहां से आपका लगभग 40 क्वेश्चंस आनाते हैं, 35 से 40 क्वेश्चन, और ये ज्यादा भी हो सकता है। ये मान लीजिए कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए 1/3 पोर्शन इसी का है, और बाकी लगभग आपके 15 से 20 क्वेश्चन इस पोर्शन से आएंगे। और यहां पर हम अगर कंप्यूटर को भी ऐड कर लें, सॉरी इसी पोर्शन में अगर हम कंप्यूटर को भी ऐड कर लें, तो आपके 20 क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। अब आपके हो गए 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन का मतलब यह है कि 1/2 वेटेज है आपका इन दो पोर्शन का, 1/2 है इंग्लिश मैथ रीजनिंग अकाउंट सोशल IRL और कंप्यूटर, 1/2 इसका वेटेज है 60 क्वेश्चन, और बचा हुआ 60 क्वेश्चन वेटेज है आपका GS और करंट अफेयर्स का। अब आप इस तरह अपनी, अब आपको तैयारी को भी अपनी स्ट्रेटेजी को भी इसी तरह डिवाइड करके पढ़ना है कि कितने घंटे आपको किस सब्जेक्ट को या किस कैटेगरी को देने हैं। आप कैटेगरी वाइज डिवाइड करके पढ़िए। अब हमारी आपसे राय ये है, आपसे एडवाइस ये है कि जो बच्चा जिस टॉपिक में या जिस कैटेगरी में उसकी तैयारी अच्छी है, अगर मान लीजिए आपकी GS की अच्छी है तैयारी, करंट अफेयर्स की अच्छी है, तो आप इसके रिवीजन को सिर्फ 2 घंटे दे सकते हैं डेली। बाकी आपका जो टाइम है वो आप यहां पर स्पेंड कीजिए इन तीनों दोनों सेक्शंस, दोनों कैटेगरीज में। अगर आपका ये वाली कैटेगरी तैयार है इंग्लिश और मैथ रीजनिंग की, तो आप यहां पर 2 घंटे दे दीजिए, इस कैटेगरी में 2 घंटे दे दीजिए, और इसका बचा हुआ एक्स्ट्रा टाइम वो आप इधर शिफ्ट कर दीजिए इन दोनों कैटेगरीज में। इसी तरह आप अपने अनुसार इसको चेंजेस कर सकते हैं। और साथ ही सबसे लास्ट चीज हमारी, क्या हमें किसी भी हालत में मॉक टेस्ट नहीं छोड़ना है, मॉक टेस्ट हर हालत में सॉल्व करने हैं। और मॉक टेस्ट का हम आपसे बार बार तरीका बता रहे हैं, मॉक टेस्ट का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर पढ़िए, UPSC के देखिए, उन्हीं ही सॉल्व कीजिए। उन्हें सॉल्व करने से आपको एक तो फ्रेमिंग का पता चलेगा, क्वेश्चन पुटअप करने का तरीका पता चलेगा, और कहां कहां से क्वेश्चन किस तरह पुटअप किया जा सकता है, UPSC किस तरह क्वेश्चन पुटअप करती है, ये तरीका आपको पता चलेगा। दूसरी चीज, जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको जो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, भले ही आपने वो सही मार्क कर दिया। अब मान लीजिए किसान आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि प्रार्थना समाज के आपका स्वामी दयानंद सरस्वती कौन की स्थापना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्न में से किस समाज की स्थापना की थी या किस सभा की स्थापना की थी। अब आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सारे दिए हुए हैं। अब आपने आज तक सही टिक कर दिया, लेकिन जो बचे हुए 3 ऑप्शन हैं, आपका ब्रह्म समाज है या और भी कोई समाज है, तो उसके बारे में आपको डिटेल थोरो नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि UPSC क्या करती है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में इसी तरह पूछती है। अगर उसने आपसे प्रार्थना समाज के क्वेश्चन पूछा है पहले, तो वो इनडायरेक्टली इन ऑप्शन से बचे हुए 3 ऑप्शन से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगी। तो आपको क्वेश्चन में दिए हुए टॉपिक्स पर फोकस करना है, ये होता है मैम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का तरीका। अब ये नहीं होता है आपने एक क्वेश्चन मार्क किया, उसको टिक किया, खत्म, दूसरे पे बढ़ गया, दूसरा टिक किया, खत्म, ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका नहीं है। MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या कोई भी मॉक टेस्ट सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो बचे हुए 3 ऑप्शन है, आपको उन 3 टॉपिक को पढ़ना है डिटेल में बुक्स में, क्योंकि अगली बार जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहीं से ही पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन है। अब हम एक बार फिर से मैथ की बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल हम आपको मैथ कर देते हैं। कुछ बच्चे बहुत से हड़बड़ी में या जल्दबाजी में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, आपने हमेशा फोकस किया होगा जब आप मैथ, स्पेशली मैथ के लिए, जब आप मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आप जल्दबाजी में जैसे कि माइनस प्लस की गलती होने की वजह से या कैलकुलेशन की गलती की होने की वजह से आंसर आपका कुछ का कुछ आ जाता है। यानी कि मान लीजिए आंसर आपका आना चाहिए 20 और आ जाता है 21 या 18 या 19, इसी के आसपास। तो UPSC को पता है कि आप सिली मिस्टेक्स कहां करेंगे, ये UPSC बहुत अच्छी तरीके से जानती है। इसलिए आपने ये हमेशा ऑब्जर्व किया होगा कि वही ऑप्शन, अगर आंसर इसका एक्चुअल आंसर 20 था और आपकी हल्की सी कैलकुलेशन की गलती की वजह से, जल्दबाजी की वजह से इसका आंसर 19 आ गया आपका, तो ऑप्शन में भी 19 जरूर दिया हुआ होगा आपको, क्योंकि UPSC जानती है कि एस्पायरेंट जल्दबाजी में गलती किस जगह करेगा। यह आप कोई सा भी एग्जाम पेपर उठा के देख लीजिए, स्पेशली मैथमेटिक्स का। इसलिए मैथमेटिक्स में आपको हर हालत में बहुत फोकस होकर, बहुत एकदम आराम से क्वेश्चन को आराम से पढ़कर, की पॉइंट्स पर फोकस करके आपको सॉल्व करना है। कैलकुलेशन बहुत अच्छे से एक एक दो दो बार आपको उसको चेक करना है, क्योंकि आप जो आंसर हड़बड़ी में गलत करेंगे, और हड़बड़ी में जैसे कि आपने कहीं फॉर्मूला भी गलत लगा दिया, तो फॉर्मूला गलत लगाने की वजह से जो कैलकुलेशन में जैसे 4/3 आपने 4/3 की जगह 3/4 कर दिया गलती से, तो UPSC को पता है कि बच्चा गलती कर सकता है और 4/3 की जगह 3/4 कर सकता है, 4/3 की जगह 3/4 कर सकता है, तो वो कैलकुलेशन में आपको ऑप्शन में आंसर वही वैसा ही देगी, क्योंकि उसको पता है इस बच्चे का यही आंसर आएगा, 20 की जगह 19 आएगा, तो ऑप्शन में 19 रख दो,
ऑलरेडी, और आप जल्दबाजी में 19 पर टिक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और ये आप लोगों के साथ, आपने पहले भी एग्जाम दिए हुए होंगे तो आप, मैथ का पोर्शन हमेशा हर एग्जाम में रहता है अधिकतर, तो आपको ये पता होगा कि इस तरह की गलती ज़्यादातर होती है और इस तरह के आंसर में ऑप्शन दिए हुए होते हैं हमेशा, जो मिलता जुलता आंसर होगा ऑप्शन में जरूर दिया हुआ होगा, जो जहां पर आपसे गलती होगी और वही ऑप्शन आपसे दिया हुआ होगा, क्योंकि आप आसानी से गलती कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऑप्शन ही नहीं दिया होगा तो, अगर मान लीजिए आपका आंसर 19 आ जाए गलती से, तो अगर 19 ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं होगा तो आप फौरन दोबारा कैलकुलेशन कर देंगे उसको चेक करने के लिए। तो यही यूपीएससी नहीं चाह, यही कोई एग्जाम बॉडी नहीं चाहती है, चाहे वो यूपीएससी हो, वो आपको मौका देना नहीं चाहती है दोबारा, वो चाहती है कि आप एक ही बार में सही टिक करें। अगर आप एक बार में टिक कर रहे हैं तो आपका आंसर एकदम सटीक होना चाहिए, तो इसलिए आप बार बार उसको एक दो बार रिवाइज करके, मतलब चेक, रीचेक करके, क्रॉस चेक करें, रीचेक करें और फिर आंसर को अपना मार्क करें। तो हमारी आपसे लास्ट एडवाइस यही है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी को वेटेज के अनुसार कैटेगराइज करके इंग्लिश मैथ रीजनिंग की अलग कैटेगरी बनाइए, अकाउंट्स रीजनिंग, आप अभी अभी ये लेक्चर सुनने के बाद फौरन आधे घंटे का एक टाइम लीजिए, आधे घंटे का टाइम निकालकर आप अकाउंट, इन तीनों स्ट्रेटेजी को, इन तीनों कैटेगरी को अलग अलग डिवाइड कीजिए, जैसे जो हमने आपको बताया, आपकी अकाउंट्स की, सोशल सिक्योरिटी आपका और लेबर IRL LL, ये कैटेगरी अलग बनाइए, इंग्लिश मैथ रीजनिंग इनकी कैटेगरी अलग बनाइए अभी आधे घंटे के अंदर फौरन ये लेक्चर सुनते ही, और आपका GS और आपका करंट अफेयर्स प्लस यहाँ कंप्यूटर ले लेते हैं, तो ये तीन कैटेगरी आप डिवाइड कीजिए और आप अपना टाइम शेड्यूल इसमें डिवाइड कर दीजिए, जिसका जो पोर्शन इसमें से कमजोर हो उसको ज्यादा टाइम और जो पोर्शन वीक आपका अच्छा हो उसको थोड़ा कम टाइम करने, क्योंकि आप जब पोर्शन अच्छा है उसको जल्दी रिवाइज कर सकते हैं तो उसको कम टाइम दीजिए, लेकिन टाइम आपको थोड़ा सब तीनों को ही देना है, और साथ ही प्लस आपका मॉक टेस्ट ये आपका जरूर चलेगा, प्रीवियस ईयर का पेपर आप जरूर लगाइए। आप अगर मॉक टेस्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो यूपीएससी की साइट से जाकर आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कीजिए और वो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाइए, लेकिन अपने टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि जीएस के जो टॉपिक हैं, आपके पॉलिटी है, आपका इकोनॉमी है, आपका जनरल साइंस है, आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री, इन्हीं चार टॉपिक पर बेस्ड आप अपने क्वेश्चन लगाइए। इसके अलावा आपको कोई पोर्शन नहीं छूना है, आपको और अदर पोर्शंस नहीं छूने हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर के, तो आपको इस तरह अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। तो आखिर में ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर अहेड, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप अपना बेस्ट दीजिए, 100% दीजिए एग्जाम में, और EPFO की इंटरव्यू कॉल लीजिए और फाइनल सिलेक्शन प्राप्त कीजिए। तो अगला हमारा कल लेक्चर आएगा, हम रिवीजन लेक्चर आपको सोशल, हमने जो जनरल साइंस का, जो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स कराए थे, उसका हम आपको एक कंबाइंड लेक्चर कल प्रोवाइड कर देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।